झारखंड के गवर्नर सीपी राधा कृष्णन ने लिया तेलंगाना के गवर्नर के तौर पर हलफ। राजभवन में मुनक्कदा तकरीब में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने दिलाया ओहदे का हलफ। तेलंगाना के साबिक गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन बीजेपी में शामिल। मरकजी वजीर सयाद किशन रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में कर लिया शामिल। कुदरती आफात से हुए नुकसान के लिए कांग्रेस हुकूमत किसानों को दे 10,000 रुपए फी एकड़। साबिक वजीर व बीआरएस लीडर निरंजन रेड्डी का मुतालबा। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल। चिलकूर बालाजी मंदिर के पुजारी ने एक गरीब मुस्लिम किसान को तोहफे में दिया बैल, क्योंकि बर्खी शौक लगने से उस किसान का बैल हो गया था फौत। सीपीएम पार्टी ने तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों पर तनहा मुकाबला करने का किया फैसला। भोनगीर से जहांगीर को बनाया उम्मीदवार, कहा जल्दी ही बकाया 16 सीटों पर भी नामों का किया जाएगा ऐलान। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों पर फलों को मस्नूई तरीके से पकाया जा रहा है। पुलिस ने छापों के दौरान मस्नूई तौर पर पके हुए आम और केमिकल कर लिया जब्त।